Hi friends, in this video we'll study chapter number 2, Microorganisms, Friends and Foe of that part 2. This is 8th standard science NCERT CBSE textbook. दोस्तों इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स या फो, ये दूसरा भाग है उसका। ये 8वीं कक्षा की साइंस टेक्सटबुक में से है, NCERT CBSE सिलेबस में से। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी, अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, we already know about the introduction of this chapter about microorganisms, how they are friends and foe. So we are going to continue from what we've stopped in part 1. दोस्तों पहले भाग के जो वीडियो में जो जहाँ से हमने स्टॉप किया है, जिसमें हमने इसका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है microorganisms, friends या foe कैसे हैं, वहीं से हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं बहुत तरीके से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोग पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स में, या इंसानों में, पौधों में और जानवरों में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। ऐसे बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन्स कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाना, कपड़े और लेदर को भी खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट दीज देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। पैथोजन्स एंटर अ बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। पैथोजन्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और खाना जो हम खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये ट्रांसमिट होते हैं अगर किसी व्यक्ति इससे प्रभावित होता है उसके द्वारा, या किसी जानवर में अगर हो उसके द्वारा। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट और कॉल कम्युनिकेबल डिजीज। माइक्रोबियल डिजीज जो स्प्रेड हो सकते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हवा, पानी, खाना या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। Examples of such diseases include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. ऐसे कुछ बीमारियों के उदाहरण हैं cholera, सर्दी, chicken pox और tuberculosis, जिसे हम TB कहते हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब एक common cold वाला व्यक्ति या सर्दी वाला व्यक्ति जोर से छींकता है तो छोटे छोटे droplets moisture के भरे हुए ये हजारों की संख्या में वायरस को लेकर हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। ऐसे वायरस किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में सांस लेते वक्त घुस जाते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। मोजो, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से आप कैसे रोक सकते हैं, ऐसे मोजो पूछता है। पहली, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन आर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। पहले कहती है छींकते वक्त या खांसी खाते वक्त हमारे नाक पर और मुंह पर हमको रुमाल रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ी सी दूरी रखना भी बहुत ज़रूरी है। There are some insects and animals which are carriers of disease causing microbes. ऐसे कुछ insects, छोटे छोटे जीवाणु या जानवर होते हैं जो carriers होते हैं ऐसे disease causing microbes के। Housefly is one such carrier. घर का जो मक्खी होती है, मच्छर होता है, वो एक carrier ही है। The flies sit on the garbage and animal excreta. ऐसे flies, ऐसे मच्छर garbage पे, कूड़े कचरे पे और animal के excreta पर, animal के कूड़े पर बैठते हैं। Pathogens stick to their bodies. उनके bodies पर पैथोजन चिपक जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. ऐसे flies जब कवर किया हुआ खाना, जो कवर किया हुआ खाना ना हो उस पर जब बैठते हैं तो pathogens ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. ऐसे बिगड़ा हुआ खाना या contaminated food जो कोई खाता है वो उसके उसको बीमार होने के पूरे chances है. So it is advisable to always keep food covered. इसलिए ये सलाह दी जाती है कि खाने को हमेशा कवर किया जाए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. जिस खाने को कवर ना किया हो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज दी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज दी पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया. प्लास्मोडियम मलेरिया कैरी करने वाला जो मच्छर होता है फीमेल मच्छर उसको एनोफिलिस कहते हैं. फीमेल एडिस मस्किटोज एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. डेंगू वायरस के कैरियर बनकर फीमेल एडिस मस्किटोज भी घूमते रहते हैं. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. मलेरिया और डेंगू को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं. पहली, why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in our neighborhood? पहली पूछती है कि हमारी टीचर हमेशा क्यों कहती रहती है कि हमारे आजू बाजू में पानी संग्रह होना नहीं देना चाहिए. All mosquitoes breed in water. सारे मच्छर अपने छोटे छोटे अंडे पानी में ही पैदा करते हैं. Hence one should not let water collect anywhere. इसीलिए किसी भी व्यक्ति को आजू बाजू पानी संग्रह होना देना नहीं चाहिए. इन कूलर्स टायर्स फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा. कूलर में भी नहीं टायर्स में भी नहीं और पॉट्स में भी नहीं. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. हमारे surroundings को साफ सुथरा रखने से हम mosquitoes को breeding से रोक सकते हैं. Try to make a list of measures which help us to avoid the spread of malaria. एक items की list बनाइए जिससे हम malaria को फैलने से रोक सकते हैं. Here is a table that shows common health human disease caused by microorganisms. Microorganisms के द्वारा common human disease कौन से है उसका ये टेबल दिया गया है. क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको गो थ्रू कीजिए. रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ गो थ्रू इट. Some of the common diseases affecting humans, their mode of transport or transmission, and few general methods of prevention are shown in Table 2.1. Table 2.1 में ऐसे disease जो इंसानों को असर करती है किस तरह से वो फैलती है और उनके methods कैसे उनको prevent किया जाए वो Table 2.1 में बताया गया है. Disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also other animals. बहुत सारे microorganisms सिर्फ इंसान और पौधे में ही नहीं जानवरों में भी डिजीज पैदा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड केटल डिजीज कॉज बाय अ बैक्टीरियम. एंथ्रैक्स एक बहुत ही डेंजरस खतरनाक इंसान और केटल डिजीज है जिसको जो बैक्टीरियम से होता है. फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ केटल इज कॉज बाय अ वायरस. पैरों के और मुँह के डिजीज जो केटल को होते हैं वो वायरस के द्वारा ही फैलते हैं. नोट, रॉबर्ट पूच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेलिसिलस एथ्रोक्रिस विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीज. 1876 में रॉबर्ट पूच ने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम जो बेलिसिलस एथ्रासिस है जिससे एंथ्रैक्स डिजीज फैलती है. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में होने वाले डिजीज कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट राइस पोटैटो शुगर केन ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोग पैदा करते हैं बहुत सारे प्लांट्स में जैसे कि गेहूँ चावल बटाटे होते हैं शुगर केन होता है ऑरेंज होता है संतरे सफरजन आदि में. द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. इससे जो उपज होती है खेत की वो कम हो जाती है ऐसे डिजीज के द्वारा. सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज. ऐसे कुछ प्लांट डिजीज को जानने के लिए टेबल 2.2 को आप देखिए. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. ऐसे डिजीज को कंट्रोल किया जाता है कुछ केमिकल्स डाल के जो माइक्रोब्स को मार देते हैं. सो हियर इज टेबल 2.2 दैट शोज सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये टेबल कॉमन प्लांट डिजीज बता रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से होते हैं. फूड पॉइजनिंग. बोजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. बोजो को अपने मित्रों द्वारा एक पार्टी में इन्वाइट किया था और वो बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के उसने खाना खाया. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल. घर पर पहुँचने के बाद वो उल्टी करने लग गया और उसको हॉस्पिटल में लेके गए. द डॉक्टर सेड दैट हिज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. डॉक्टर ने बताया कि उसकी यह कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है. पहली वंडर्स हाउ फूड कैन
बिकम अ पॉइजन। पहली कहती है कि मुझे पता नहीं फूड कैसे जहर बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग ऐसे खाना खाने से हो सकता है जो खाना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब कर दिया हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आर फ्रूट समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने पर टॉक्सिक्स पैदा करते हैं वो ऐसा खाना खराब कर सकते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे खाने को जहरीला बना देते हैं जिससे इंसान बीमार पड़ता है या उसकी मौत भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग स्पॉइल्ड। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम खाने को उसको बचा कर रखें ताकि वो गंदा ना हो। फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1, we have learned about the methods used to preserve and store food grains. Chapter 1 में हमने देखा है कि खाने को कैसे प्रिजर्व करते हैं और फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं। How do we preserve cooked food at home? तो घर पर बनाया हुआ खाना हम कैसे प्रिजर्व करें। You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. हम जानते हैं कि अगर moist condition में हम ब्रेड को छोड़ दें जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो उसमें फंगस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आ फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। बिगड़ा हुआ खाना से गंदी बदबू आती है, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है, उसका कलर भी बदल जाता है। फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या फूड का गंदा हो जाना या बिगड़ जाना एक केमिकल रिएक्शन है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहले ने कुछ आम खरीदे लेकिन कुछ दिनों तक वो खा नहीं पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वो गंदे हो गए थे और सड़ गए थे। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिक्ड मैंगोज पिकल हर ग्रैंडमदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो जानती है कि उसकी दादी जो आम का अचार बनाती है वो लंबे समय तक बिगड़ता नहीं है। शी इज़ कन्फ्यूज। वो कन्फ्यूज है। लेटर स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन आर होम्स। हमारे खाने में घर के खाने को प्रिजर्व कैसे किया जाता है उन मेथड्स को जरा हम समझते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमले से हमको बचाना चाहिए। केमिकल मेथड। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को चेक करने के लिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल खाने का लायक जो तेल होता है वो यूज होता है अक्सर चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए उनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। वी एड सॉल्ट और एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अचार में हम नमक या एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि माइक्रोब्स उसको अटैक ना करें। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट कॉमन प्रिजर्वेटिव है। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेज टू चेक देयर स्पॉयलेज। इनको जैम्स और स्क्वैशेज में भी यूज़ किया जाता है उनके स्पॉयलेज को चेक करने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट को खाने लायक जो सॉल्ट होता है उसको मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए सालों से यूज़ किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रोथ को चेक करने के लिए सूखे सॉल्ट को मीट और फिश पे डाला जाता है, उसको ढक दिया जाता है उससे। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा। सॉल्टिंग प्रिजर्व करने आंवले को प्रिजर्व आंवला कच्चे आम और इमली को डालते हैं, सॉल्टिंग करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम्स जेलीज और स्क्वैशेज शक्कर से प्रिजर्व होते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विद स्पॉइल फूड। शुगर रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट को जो इनहिबिट होता है बैक्टीरिया में जिससे खाना बिगड़ता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल या विनेगर से प्रिजर्वेशन कैसा होता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया cannot live in such an environment. तेल और विनेगर के वजह से खाना लंबे समय तक टिकता है क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते हैं। वेजिटेबल्स फ्रूट्स फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। सब्जियां फल फिश और मीट इसी मेथड से हमेशा प्रिजर्व होते हैं।
Heat and cold treatment. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. आपने अपनी माँ को देखा होगा वो दूध को उबालते हैं उसको स्टोर या प्रिजर्व यूज़ करने के पहले. Boiling kills many organisms. Boiling से बहुत सारे organisms मर जाते हैं. Similarly, we keep our food in refrigerator. उसी तरह हम हमारे खाने को फ्रिज में भी रहते हैं. Low temperature inhibits the growth of microbes. Low temperature से microbes भी मर जाते हैं उसका growth कम हो जाता है. Mojo. Why does the milk that comes in packet पैकेट्स नॉट स्पॉइल. जो पैकेट में आने वाला थैली में आने वाला दूध होता है वो ख़राब क्यों नहीं होता है ऐसा मोजो कहता है. माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पैश्चराइज. वॉट इज पैश्चराइजेशन. मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ये मिल्क को पैश्चराइज कहते हैं. पैश्चराइजेशन क्या है. पैश्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. पैश्चराइज फूड को हम बिना उबाले भी पी सकते हैं क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं. द मिल्क इज हीटेड एट अबाउट 17°C फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड. ऐसे खाने को ऐसे दूध को 700 डिग्री तक 15 से 30 सेकेंड तक उबाला जाता है फिर अचानक से उसको चिल्ड करके ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है. By doing so, it prevents the growth of microbes. ऐसे करने से microbes का growth वहाँ रुक जाता है. This process was discovered by Louis Pasteur. इस process ने उसको Louis Pasteur ने discover किया था. It is called as pasteurization. इसको pasteurization कहते हैं. Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are stored in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल dry fruits और green vegetables को भी sealed pack बन tight air packet में बेचा जाता है ताकि उस पर microbes attack ना करें. Nitrogen fixation. You have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7. Rhizobium नाक के bacterium के बारे में आपने 6वीं और 7वीं क्लास में पढ़ा है. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. पल्सेस पल्सेस जैसे लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसका इस्तेमाल होता है. रिकॉल दैट रिजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट. लिगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ये रिजोबियम रहता है. सच एज बीन्स एंड पीज जैसे कि मटर और फलियाँ होती हैं. विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसके साथ उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. बहुत बार लाइटनिंग के एक्शन की वजह से नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेंस कॉन्स्टेंट. लेकिन आप जानते हैं कि हवा वातावरण में जितना भी नाइट्रोजन होता है वो उतना ही कॉन्स्टेंट ही रहता है. You may wonder how. आप सोचते रहोगे ये कैसे होता है. Let us understand this in the next section. Next section में इसको समझने की कोशिश करते हैं. नाइट्रोजन साइकिल. आर एटमोसफियर है 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लियर एसिड एंड विटामिन्स. नाइट्रोजन एक बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जिससे वो जैसे प्रोटीन है क्लोरोफिल है न्यूक्लियर एसिड है और विटामिन्स है. द एटमोसफेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन डायरेक्ट वो ले नहीं सकते हैं. सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एगले प्रिवेंट इन द प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इनटू इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एगले जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमोसफियर से और उसको कन्वर्ट करके नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है कंज्यूमेबल कंपाउंड में तो प्लांट्स के द्वारा उसको अपने रूट सिस्टम से इस्तेमाल किया जाता है. नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. प्लांट्स के प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. जो जानवर ऐसे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं उनको इन्हीं से प्रोटीन्स और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलते हैं. स्टूडेंट्स यू आर प्लीज़ रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस नाइट्रोजन साइकिल. दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप नाइट्रोजन साइकिल समझ लें. यू माइट वॉन्ट टू पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम. इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हो समझने के लिए ये साइकिल. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again. जब
पौधे और जानवर मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंगा उसमें प्रेजेंट होता है वो सॉइल में नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करके नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देता है जो फिर से पौधों के काम आता है। सर्टन अदर बैक्टीरियाज कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड एटमोसफियर। कुछ और किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जो वापस एटमोसफियर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेंस मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन जो हवा में एटमोसफियर में मौजूद होता है वो ज़्यादातर उतना ही होता है। फ्रेंड्स, दिस चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। दोस्तों, हमारा ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। Thank you friends, do subscribe to Gyan Guru Vani as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामी नारायण।